Assalamualaikum. Once again, welcome back to my channel. मैं हूँ नफीसा और आप सभी को मेरी तरफ से रमजान मुबारक। तो बहुत ही खास महीना चल रहा है, रमजान का महीना है और मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि कोलकाता में किस तरह से हम रमजान सेलिब्रेट करते हैं। तो मैं आ चुकी हूँ कोलकाता के जकरिया स्ट्रीट पे और नखोदा मस्जिद के तरफ, जो बहुत ही स्पेशल जगह है यहाँ पे। और इफ्तार के लिए काफी रश यहाँ पे होता है, बहुत ही स्पेशल तरीके से यहाँ पे इफ्तार की जाती है और भी काफी कुछ यहाँ पे है, मार्केट्स भी यहाँ पे है। तो मैं आपको सारा चीजें दिखाने वाली हूँ, तो बने रहे मेरे साथ और मैं चलती हूँ आगे लेकर आप सभी को। तो ये जो रास्ता है ये जाता है नखोदा मस्जिद की तरफ और आप देख ही सकते हैं कि जगह काफ़ी ही ज़्यादा भीड़ भाड़ है। तो स्पेशली ईद और रमज़ान के शॉपिंग के लिए यहाँ पे हमेशा ही रश लगा रहता है। और ये है बाहर से व्यू इस मस्जिद का और ये जो पूरा इलाका है ये पूरा ही मार्केट एरिया है। आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे कपड़ों के दुकान और भी काफ़ी सारे अलग अलग दुकानें यहाँ पे मौजूद हैं और स्पेशली यहाँ के पंजाबी कुर्ते और शेरवानीज काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो ईद के शॉपिंग के लिए खासकर लोग काफ़ी ही दूर दूर से यहाँ पर आते हैं पंजाबी कुर्ता या फिर शेरवानी शॉपिंग करने के लिए। तो हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि इफ्तार के लिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। जलेबी अभी मैंने यहाँ पे लिया। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह खत्म हो चुका है और लोगों के नमाज भी यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। और ये जो मस्जिद है इसे नाखुदा इसलिए कहा जाता है क्योंकि नाखुदा का मतलब होता है मैरिनर अ सेलर, जिसे हम समुद्री या फिर उर्दू में जहाज़ी कहते हैं। तो ये जो डिज़ाइन है पूरे इस मस्जिद का वो बिल्कुल एक जहाज़ के जैसा है, जिसके वजह से इस मस्जिद का नाम रखा गया है नाखुदा मस्जिद। ये कोलकाता का सबसे बड़ी मस्जिद है और जो टोटल कैपेसिटी है इस मस्जिद की वो है 10,000, यानी कि 10,000 लोग एक साथ यहाँ पर नमाज़ें पढ़ सकते हैं। और ये मस्जिद बनाया गया था 1926 में। के बाद मैं आ चुकी हूँ ठीक मस्जिद के पास ही। यहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट है जो कि है दिल्ली सिक्स और यहाँ पे काफ़ी सारे वैरायटीज ऑफ कबाब्स यहाँ पे मुझे देखने के लिए मिले। तो जो मैंने ऑर्डर किया है फिलहाल वो है चंगेजी चिकन और ईरानी रोटी। तो फिलहाल मैं वेट कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा प्यास लगा है इस वक्त, तो मैंने यहाँ पर लिया है लस्सी सामने वाले काउंटर से, जो आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं।
अमेजिंग चिकन जो काफ़ी लजीज दिख रहा है, और इसके साथ कुछ अनियंस और चटनी भी है। एंड दिस इज ईरानी रोटी। तो ये है ईरानी रोटी जो काफ़ी थिक है, और ये है चंगेजी चिकन। सो लेट मी टेल यू, यहाँ का जो ये ईरानी रोटी और चंगेजी चिकन है, इट्स क्वाइट अमेजिंग। और ये जो मसाला है, जो ग्रेवी है, इट्स रियली ऑथेंटिक टेस्ट। तो नाखोदा मस्जिद की जो पार्टी है, ये दिल्ली से एक छोटा सा रेस्टोरेंट, बट ट्रस्ट मी, यहाँ का खाना इज रियली अमेजिंग। तो जब भी आप यहाँ पे आए तो इसे जरूर ट्राई करें। निकलने के बाद मैं आ चुके हूँ बॉम्बे होटल, जो यहाँ का काफ़ी पुराना और बहुत ही पॉपुलर रेस्टोरेंट है। तो ये रेस्टोरेंट है, ये 100 साल पुराना है, और यहाँ के जो हलीम है वो बहुत ही फेमस है, जो मैं अभी यहाँ पे फिलहाल ट्राई करने वाली हूँ। देखने के लिए तो मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर एंड बाय।